व्लॉगिंग के लिए कोई बहुत भारी भरकम सेटअप की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ दो या तीन ऐसी चीज़ें अगर आपके पास हो वेरी मिनिमलिस्टिक, तो आप बहुत ही बढ़िया ट्रैवल सीरीज़ या फिर रेगुलर व्लॉग सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा भारी भरकम गेयर चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वो दो चीज़ें जो मैंने लेके स्कैंडिनेवियन सीरीज़ और स्विस सीरीज़ बनाई थी, वो दो पीस ऑफ ब्रिलियंट इक्विपमेंट जिसको यूज़ करके आप पूरी सीरीज़ बना सकते हैं, नॉट जस्ट व्लॉग्स। तो उनकी डिटेल में जाने से पहले मैंने अभी अभी एक नई इंट्रो बनाई है, तो ज़रा पहले उसको रोल कर लें, उसके बाद चलते हैं फुल डिटेल में। और ये दो चीज़ें दिखाने के लिए मैं आपको लेके आया हूँ अल्मोंटे शहर में, ओंटारियो में पड़ता है, ऑटोवा से तकरीबन एक घंटे दूर शहर का विलेज है। बट अभी फिलहाल आते हैं उन दोनों चीज़ों पे, और वो पड़ी है ठीक मेरे पीछे, कैनन G7X Mark II, आजकल Mark III भी आ गया है। उसकी क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो थोड़ी देर में आते हैं। और DJI Osmo Mobile 2, आजकल इसका भी 3 आ गया है, बट इट्स नॉट ऑल दैट इम्प्रेसिव, 2 अगर आपके पास है तो काम चल जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दीज वन बाय वन। अब फिल्मिंग में अगर आपने कोई व्लॉग टाइप सीरीज़ बनानी है तो दो तरह की फुटेज ली जाती है। पहली होती है ए रोल, जो आप होंगे और आपका प्राइमरी सब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने अगर बात करनी है, फॉर एग्जांपल कैमरा खोला, अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पीछे बहुत ही साफ सुथरा पानी है, एक छोटा सा बड़ा क्यूट सा ब्रिज है, इट्स रियली रियली नाइस। अब क्योंकि मैं इस कैमरे में बोल रहा हूँ, दिस इज़ ए रोल, बट अगर मैंने ये चीज़ एक्चुअली दिखानी है सिनेमैटिक शॉट लेते हुए और वॉइस ओवर में बोलना है, या फिर बोलते बोलते इस चीज़ का रेफरेंस देना जो कि फुल स्क्रीन पे आए, तो उसको बी रोल बोलेंगे। बी रोल होती है बेसिकली सप्लीमेंट्री फुटेज जो कि आपकी स्टोरी को एक फुल स्क्रीन पर्सपेक्टिव देती है, बेसिकली एड ऑन फुटेज होती है। अब मैं आपको बी रोल बताता हूँ क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहना है कि यहाँ पे पेड़ है, बहुत ही बढ़िया, पानी साफ सुथरा, छोटा सा ब्रिज, बट अब ये चीज़ अगर मेरे को दिखानी हो प्रॉपर अपने आप को बिना लिए, तो मैं अब जैसे मान लीजिए इस सिटी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो मैंने ए रोल वाली चीज़ तो जो बोलनी थी बोल दी बी रोल में, अब मैं वॉइस ओवर में बोलूँगा, और यहाँ पे बहुत ही शांत माहौल और साथ ही प्यारे प्यारे ब्रिज, और मैं यहाँ पे मछलियों के साथ इंजॉय करता हुआ, बी रोल। तो बेसिकली ए रोल के लिए एक पॉइंट एंड शूट कैमरा और बी रोल के लिए एक स्टेबलाइजर जिसके ऊपर एक फोन माउंटेड हो। अब G7X का माजरा ये है कि क्योंकि 24mm, अगर मैं इसको हाथ से पूरा दूर ना पकड़ूं, पास पकड़ूं, तो 20% हिस्सा तो मैं ही ले लूँगा, 40% भी अगर मैं सेंटर में हूँ तो। इसलिए इसको मैं हमेशा ऐसे पकड़ता हूँ, चाहे वो सोनी का R700 हो या जो भी होता है, पता नहीं RX100 है क्या नाम है पॉइंट एंड शूट कैमरे का। तो बेसिकली अपने आप को अपने साइड पर रखना है जगह दिखाने के लिए, और शुरुआत मैं ऐसे करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जगह ये बहुत खूबसूरत है, पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एंड दिस इज़ रियली प्रिटी। और G7X क्योंकि ये छोटा बहुत है, मिनिमलिस्टिक सेटअप है, तो इसकी एक एडवांटेज ये है कि जब आप अपना शॉट लिया, इसको अपना बंद किया और उसके बाद जेब में डाला और निकल गए, वेरी बेसिक, वेरी मिनिमलिस्टिक, वेरी इजी। तो इसमें एक मेजर चीज़ तो ये है कि इसके अंदर ऑटो फोकस है, तो आपको फेशियल रिकग्निशन इसके अंदर आपकी चलती रहती है, तो इसीलिए ये हमेशा फोकस में रहेगा। तो इट इज़ वन गुड थिंग, कैनन G7X का सबसे बड़ा फायदा है वेरी गुड ऑटो फोकस, जो कि ब्लॉगिंग के लिए बहुत असेंशियल है। और दूसरी बात यह कि इसमें आपको लेंस की तरफ देखें या स्क्रीन में देखें तो खास प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे अब मैं लेंस में देख रहा हूँ और अब मैं स्क्रीन में, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता, तो आप अपने आप को देखते हुए कंफर्टेबली ब्लॉगिंग कर सकते हैं। वरना जो ये कैमरा है इसके अंदर आपको देखना है तो इसकी फ्लिप आउट स्क्रीन तो साइड पर खुलती है, तो उस केस में अगर आप साइड पे देखेंगे तो साफ पता लग जाएगा कि आप साइड पे देख रहे हैं। तो अब बेसिकली मैं लेंस के बीच में देख रहा हूँ, बिल्कुल सेंटर में, साइड में फ्लिप आउट स्क्रीन पे नहीं देख रहा हूँ। अब मेरे को अगर अपने आप को देखना तो मैं फ्लिप आउट स्क्रीन में देख रहा हूँ, आपको लगेगा ये बैंग है, ये किससे बात कर रहा है। तो इसीलिए इनिशियल कंपोजिशन के लिए मेरे को इसमें साइड पे देखना पड़ता है। हाँ, शॉट सही है, बात मैं ऐसे लेंस के बीच में देख के करता हूँ, बट हर चीज एकदम परफेक्ट नहीं है, इसलिए इसका ड्रॉबैक जानने के लिए जरा शोर वाली जगह में जाना पड़ेगा।
अब एक ड्रॉबैक इस कैमरे का, स्क्रीन में बड़ा सा मैं दिख रहा हूँ और बैकग्राउंड कम दिख रहा है, उसके अलावा ये है कि इसके अंदर एक्सटर्नल ऑडियो नहीं है, आप माइक नहीं लगा सकते। अब G7X Mark 3 जो आया है उसके अंदर एक्सटर्नल माइक लगाने की ऑप्शन है, बट Mark 2 में नहीं है। तो जो एम्बियंट नॉइज़ होती है, जैसे पीछे वाटरफॉल है तो इसका भी थोड़ा सा एम्बियंट नॉइज़ ज़्यादा होगी। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है जब मैं किसी ट्रैफिक वाली जगह में खड़ा हूँ या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आप कोई डायरेक्शनल माइक्रोफोन ही लगा सकते जो आजू बाजू की नॉइज़ को सप्रेस करे। बट अब आप देख रहे हैं मैंने ये लगाया हुआ है रोड माइक, और ये जो है ओमनी डायरेक्शनल माइक है, बट ये ऑडियो अपने आसपास के एक दो फुट के रेडियस से ही लेता है, तो इससे नॉइस कैंसिलेशन आ जाती है। अभी आप सुन रहे हैं G7X की ऑडियो, बट साथ में मुझे ये भाई साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं 6D पे, तो उसके ऊपर लगा हुआ है इसका रिसीवर, तो ये ऑडियो ट्रांसमिट होकर सीधा उस माइक के अंदर जा रही है। तो उसकी ऑडियो कैसे आ रही है वो अब आप सुन ही रहे हैं, ये डिफरेंस है बेसिकली। तो अब मैं वहाँ बात करता हूँ, तो ये डिफरेंस है एक्सटर्नल ऑडियो का और बिल्ट इन ऑडियो का। तो अगर आपको ये कॉम्प्रोमाइज चलता है तो इट्स ओके, बट स्टार्टर्स में इट्स ऑल राइट। बेसिकली मेनली ये कैमरा जो है व्लॉगर्स या व्लॉगर्स के लिए ही ठीक है, और फोटोग्राफर्स के लिए इसमें कुछ खास नहीं है। इवन दो आप चाहें तो इसमें रॉ फोटोज़ ले सकते हैं, जाके पोस्ट में एडिट कर सकते हैं, और व्यू फाइंडर इसमें नहीं है, तो इसलिए स्क्रीन पे देख के तुक्का मार नहीं लेने पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपको सिर्फ फोटोज़ ही खींचनी है तो उसके लिए आजकल के फ़ोन भी ठीक है, अनलेस आप प्रोफेशनल कैमरा ले लें कोई DSLR वगैरह। और जहाँ तक इसकी वीडियो लिमिटेशंस की और कुछ लिमिटेशंस की बात है, तो वो ये है कि ये सिर्फ 1080 पिक्सल पे लेगा वीडियो, और वो भी 60 फ्रेम पर सेकंड मैक्सिमम में। तो अगर आपको कोई स्लो मोशन शूटिंग करनी है तो वो बटरी स्मूथ नहीं होगी। जैसे अगर यहाँ पे मेरे को कोई पानी वेव करता हुआ नज़र आ रहा है और मेरे को स्लो मोशन शॉट लेनी है, तो सिर्फ 60 फ्रेम पर सेकंड पे 2x जो दो बार इसे कहते हैं आधी स्पीड ही हो पाएगी उसकी। तो इवन दैट्स अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, बट आजकल तो मैक्सिमम बड़े कैमरों में भी वो आ रही है, अनलेस आप लाखों वाला कैमरा ले लें जो कि 4K भी शूट करता हो और 60 FPS या फिर 1080 120 फ्रेम पर सेकंड में शूट करता हो। बट एज आई सेड, बेसिक कामों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमने कोई तगड़ी सिनेमाटोग्राफी नहीं करनी, वी जस्ट हैव टू मेक अ सीरीज विद कॉम्बिनेशन ऑफ सम फर्स्ट पर्सन शॉट्स जो आप ऐसे लेंगे बताने के लिए, एक पर्सनल टच के लिए, और सीनरी दिखाने के लिए ऑस्मो से। तो ये तो सारी बात होगी G7X की जो जाननी ज़रूरी है। अब ज़रा ऑस्मो मोबाइल की बात कर लें कि जो आप अपने पर्सनल शॉट लेंगे उनको सीनिक शॉट के साथ कैसे मिक्स करेंगे। तो कहाँ गया भाई ऑस्मो? DJI Osmo Mobile 2, वो चीज़ जिससे आप बेसिक लेवल के सिनेमैटिक शॉट्स ले सकते हैं अपने फ़ोन से। इस पर कोई भी फ़ोन लग जाता है, यूनिवर्सल अडाप्टर है। मेरे पास iPhone 6 है फिलहाल, तो मैंने ये लगाया, बट स्विट्ज़रलैंड सीरीज़ के टाइम पे मेरे पास iPhone 7 प्लस था जो मैंने यूज़ किया था इसी के ऊपर। और इसका बेसिक काम क्या होता है गिम्बल का, इसको गिम्बल बोलते हैं, स्टेबलाइजर। वॉट इज़ द बेसिक पर्पज़? स्टेबलाइजेशन, यानी कि आपके शॉट्स को स्टेबल, स्मूथ और सिनेमैटिक कर देना। स्टेबल जैसे मान लीजिए अगर आप हाथ में लेके इसको चलते हैं तो जर्क आएगा ना, वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर मैं हाथ में G7X लेके इसको फॉलो करता हूँ तो शॉट्स कुछ ऐसे आएंगे, शेकी। और इसके पीछे जाके अगर इसको पैन करने की कोशिश करता हूँ तो वो स्मूथनेस नहीं आ पाएगी क्योंकि हाथ हिलते हैं। बट अब यही शॉट हाथ में गिम्बल लेके, वो भी सिर्फ एक हाथ से, और अब इसकी स्मूथनेस का अंदाज़ आप खुद लगा लीजिए। और अब मैं आपको इसका सबसे खास फीचर दिखाने वाला हूँ जो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या खुद ही वीडियो शूट करते हैं तो काम आएगा, और वो है ऑटो ट्रैक। इसके अंदर आप अपने आप को, मैं अपना चोकटा जो है फीड कर दूंगा और ये पूरी मूवमेंट के हिसाब से मेरे को ट्रैक करेगा। कई लोग पूछते हैं ना आपका कैमरामैन कौन है, तो अभी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ उसका कैसे होता है। हो गया जी, करो सेट। ओके निखिल, अब मेरा फेस जो है उसको ट्रैक करेगा।
हो गई ट्रैकिंग। अब ये डिवाइस जो है हमेशा मेरे फेस को सेंटर में रखेगा, फिर मैं चाहे कहीं भी जाऊँ ऐसे ऐसे ही, अब ये मेरे को फॉलो कर रहा है। बट इसकी एक लिमिटेशन ये है कि क्योंकि ऑडियो तो फ़ोन में वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, ये जो ऑडियो ये माइक से जो कैमरा इस गिम्बल को रिकॉर्ड कर रहा है उसमें जा रही है वायरलेस माइक के थ्रू। तो अगर आप ये वाला सेटअप यूज़ करते हैं, जो कि मैं कई टाइम यूज़ करता रहा हूँ ऐसे सिटी के बारे में बोलने के लिए, दिखाने के लिए, तो उस केस में आपको ऑडियो अपनी इंडिविजुअली लोकली रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और उसके बाद उसको सिंक करना पड़ेगा उस वीडियो के साथ। ये रिस्ट्रिक्शन है, बट अदरवाइज इट इज़ फेयरली यूजफुल। आप देख सकते हैं जहाँ मैं जाऊँगा मेरे पीछे पीछे आ जाएगा, मेरे को सेंटर में रखेगा। फेयरली स्मार्ट इज़न्ट इट? हाँ बढ़िया ही है। दिखाइए। रुक जा यार, रुक जा रहे, बंद कर। हो गया, इधर आके मैं बंद करूंगा फिर। और फिर हमें सिटी की मेन रोड पे आ गए, जहाँ पे मैंने सिटी का एक ए रोल शॉट लिया। और ये यहाँ का बेसिकली बड़ा पुराना हिस्टोरिक पोस्ट ऑफिस है और गली बहुत ही छोटी है, सिंपल सी। यहाँ पे लोकल विलेजर्स घूमते हैं, लोकल शॉप्स होती हैं यहाँ पे। और ये जो पीछे आपको गुलदस्ता दिख रहा है, ये पूरे शहर में लगे हुए हैं और इनमें सिटी के मालिक गवर्नमेंट के आके रोज़ पानी डाल के जाते हैं। तो अब मैं तो आप पूरा ए रोल दिखाऊँ या आधे बी रोल के साथ मिक्स कर दूँ, वो मेरे ऊपर। और पूरा बी रोल कुछ ऐसे, पहले आपको दिखेगा एक हिस्टोरिक स्टोन बिल्डिंग वाला विक्टोरियन स्टाइल पोस्ट ऑफिस और शांत गलियों में लोकल छोटी छोटी शॉप्स और उनके सामने गुलदस्ते जिनमें डेली सरकारी मुलाजिम पानी डालते हैं। तो वीडियो गाइड के कुछ शॉट्स लेने के बाद हम निकले सीधा सिटी की मेन स्ट्रीट की तरफ। और ये यहाँ का बेसिकली बड़ा पुराना हिस्टोरिक पोस्ट ऑफिस है और गली बहुत ही छोटी है, सिंपल सी। यहाँ पे लोकल विलेजर्स घूमते हैं, लोकल शॉप्स होती हैं यहाँ पे। और ये जो पीछे आपको गुलदस्ता दिख रहा है, ये पूरे शहर में लगे हुए हैं और इनमें सिटी के मालिक गवर्नमेंट के आके रोज़ पानी डाल के जाते हैं। और अब सब गोप्रो गोप्रो करें उससे पहले। पर्सनली मैं गोप्रोस का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं रहा, उसकी वजह यह है कि अब जैसे मान लीजिए मैं गोप्रो पर शॉट ले रहा हूँ, पहली बात तो मेरे को इसके अंदर नज़र ही नहीं आएगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, कोई फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं है इसके अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका बहुत ब्रॉड व्यू होता है। अब अगर आप मेरे को इस कैमरे से देख रहे हैं, 24mm पे सेट है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है कोनों पे, बट अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको कोने गोल गोल नज़र आएंगे, क्योंकि ये बहुत कुछ कैप्चर करने की कोशिश करता है। और इस गोल गोल में जो है बेसिकली लोगों के सिर में, एटलीस्ट मेरे तो सिर में दर्द हो जाता है अगर हर चीज़ ही गोल गोल नज़र आ रही हो, तो मेरी कोशिश ये होती है फ्लैट लेंस के ऊपर ही कैप्चर किया जाए। इसलिए मैं अगर GoPro पे कभी शूटिंग करता भी हूँ तो मैं लीनियर व्यू में करता हूँ। जो पहले वाला आपने शॉट देखा था वो वाइड था, उसमें ज़्यादा आजू बाजू का नज़र आता है और इस चक्कर में स्क्रीन गोल गोल हो जाती है एजेस से, बट ये लीनियर व्यू है, इसमें इतनी गोल नहीं होती। और अगर आपको GoPro यूज़ करना है तो आपको एक्सटर्नल माइक तो लगाना ही पड़ेगा, उसके लिए एक्सटर्नल माइक के लिए बेसिकली एक अडाप्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल माइक की तार GoPro में डायरेक्टली लगती नहीं है और उसको केस करने के लिए केसिंग चाहिए। और नीचे आप जो भी का गोरिल्ला पॉड या कोई स्टिक लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाई हुई है। ये सेटअप मैं आपको दिखा दूँ, रोड वीडियो माइक्रो का माइक 5000, केस 2000, GoPro ऑडियो जैक 3500, गोरिल्ला पॉड अराउंड 2500 और GoPro इटसेल्फ अराउंड 30000, टोटल अराउंड 45। अब कैमरे, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली। अगर आपके पास ये दो हो तो आपका काम चल जाएगा, पर ये पेंट ब्रश की तरह है, जिसको आप यूज़ कैसे करते हैं वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। अब आपने मॉडर्न आर्ट बनाना है या क्लासिक, वो आपके हाथ में है। तो सिर्फ टूल्स एज आई टेल यू आर नॉट इनफ बाय देमसेल्फ, यू हैव टू बी क्रिएटिव, जस्ट यूज़ योर ओन माइंड, हट के शॉट्स लीजिए और आपका काम हो जाएगा। एंड बेसिक शॉट्स आपने कैसे लेने हैं वो मैं आपको अलग वीडियो में बताता ही रहूँगा कि आप इन दोनों वेपन्स को एज आई कॉल देम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए इतना ही। अब ज़रा मैं और निखिल आगे निकलें, एक आइसक्रीम खाएं और आज की वीडियो ख़त्म करें, क्योंकि वापस जाके एडिटिंग करनी है। और ये है कैमरा पर्सन, कैसे 1 2 3 4 हाँ जी आ रहा है मजा।
बहुत मजा आ रहा है, आपने आइसक्रीम खिलानी है। ये चल चल इधर ही चल। चलो और ये था हाइपरलैप्स, जो कि आप चाहें भी तो भी एक कैमरे को हाथ में पकड़ के इतना स्टेडी नहीं बना सकते। हो गई तेरी मुराद पूरी? स्वाद है बहुत ज्यादा। वेरी गुड। कितने की है? $4.50। 225 रुपए। बट है बहुत बड़ी, ट्रिपल स्कूप लिया सबे। वाह भाई वाह, मौज। और आप चाहे तो फ़ोन से भी व्लॉगिंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं। मैं अपने आईफोन पे कर रहा हूँ, मगर इसमें यह है कि आपको कैमरे की तरफ देखना पड़ता है। अगर खुद को देखूंगा तो ऐसा दिखेगा, कैमरे की तरफ देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है। बट अगर आप किसी भी, चाहे यूरोप हो चाहे कोई भी कंट्री, उसकी विलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पे ये लोग जो है ना मैकडोनल्ड्स पिज्ज़ा हट टाइप शॉप्स नहीं करते। यहाँ पे बास्किन रॉबिन टाइप आइसक्रीम नहीं होती, यहाँ पे लोकल स्टोर्स होते हैं, लोकल पिज़्ज़ेरियाज होते हैं, और वो ट्राई ज़रूर करने चाहिए। जैसे ये भाई साहब ने लोकल एक आइसक्रीम शॉप से आइसक्रीम लिया। फ्लेवर कौन सा भाई? तो ये तो थी वीडियो इस बारे में कि इन दो चीजों को यूज करके आप बढ़िया बढ़िया ट्रैवल सीरीज या व्लॉग्स कैसे बना सकते हैं। और ये बाय द वे डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ हैं, जिन्होंने बास्केटबॉल इन्वेंट करी थी। यहीं पे पैदा हुए होंगे तब इनकी मूर्ति यहाँ पे है। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगा तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोज एंड टाइमली अपडेट्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। एनो भी चुक लाइए। चलो आपकी आइसक्रीम की मुराद तो पूरी हुई। हाँ जी, चले फिर। चलो जी, कोई शॉर्ट रहा तो नहीं गया? नहीं।